नमस्कार, मैं हूं नवीन चंद्र मनोज और आप देख रहे हैं खेल ढावा का यूट्यूब चैनल। यूरो कप फुटबॉल 2020 के अंतर्गत सोमवार को अंतिम मुकाबला दो दिग्गज टीमों स्पेन और स्वीडन के बीच खेला गया। इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पूरे मैच के दौरान गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, पर सफलता किसी भी खिलाड़ी के हाथ नहीं लगी और अंततः मैच 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। स्पेन के सेविला शहर के ला कार्तुजा स्टेडियम में यूरो कप ग्रुप ई के अंतर्गत खेले गए इस मैच को देखने के लिए प्रशंसक भी पूरी संख्या में मौजूद थे। दोनों टीमों के बीच यह ओवरऑल 15वां मैच था। स्पेन ने 6 और स्वीडन ने 3 मैचों में जीत हासिल की है। 6 मैच ड्रा हुए हैं। स्पेन के पैड्री यूरो कप खेलने वाले देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 18 साल 201 दिन की उम्र में यूरो कप में डेब्यू किया। इस मैच में स्वीडन के डिफेंडर विक्टर लिंडलॉफ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। स्पेन की टीम सबसे ज्यादा 3 बार यूरो कप का खिताब जीत चुकी है, वहीं स्वीडन अब तक कोई खिताब नहीं जीत सका है। इस मैच को मिलाकर दोनों के बीच पिछले 6 मैचों में से स्पेनिश टीम ने 3 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 1 मैच स्वीडन ने जीता है, 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। स्वीडन ने अपने पिछले 9 यूरो कप मैचों में से 6 में हार चुकी है। टीम सिर्फ 1 मैच जीत सकी है और 2 ड्रॉ हुआ। स्पेन और स्वीडन के बीच किसी बड़े टूर्नामेंट में यह चौथा मुकाबला था। इसमें से स्वीडन ने 1 और स्पेन ने 2 मैच जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ रहा। इस मैच से पहले स्वीडन ने 1950 वर्ल्ड कप में 3-1 से जीत दर्ज की थी। वही स्पेन ने 1978 वर्ल्ड कप में 1-0 से और 2008 यूरो कप में 2-1 से मैच जीता था। स्पेनिश टीम अपने पिछले 17 यूरो कप मैचों में से सिर्फ 2 में हारी है। इस दौरान टीम ने 11 मैचों में जीत हासिल की, 4 मैच ड्रॉ रहा। टीम को यह दोनों हार 2016 में क्रोशिया और इटली के हाथों मिली थी। स्पेन ने बड़े टूर्नामेंट में पिछले 6 ओपनिंग मैचों में सिर्फ 1 में जीत हासिल की है। यह जीत टीम को 2016 यूरो कप में चेक रिपब्लिक के खिलाफ मिली थी। इस मैच को स्पेन ने चेक गणराज्य को 1-0 से जीता था। स्वीडन स्पेन के खिलाफ पिछले 13 मुकाबलों में सिर्फ 1 बार बिना कोई गोल खाए जीत दर्ज कर सका है। यह जीत अक्टूबर 2006 में मिली थी, तब स्वीडन ने स्पेन को 2-0 से हराया था। यह स्वीडन की स्पेन के खिलाफ आखिरी जीत थी। स्पेन का यह 11वां यूरो कप टूर्नामेंट है, वहीं स्वीडन का यह 7वां यूरो कप टूर्नामेंट है। स्वीडिश टीम ने 1992 में पहली बार इस टूर्नामेंट में बतौर मेजबान हिस्सा लिया था। इस दौरान टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। यही टीम का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। 1996 को छोड़कर टीम ने सभी यूरो कप के लिए क्वालिफाई किया है। स्पेन पिछले 6 यूरो कप टूर्नामेंट में से 5 में नॉकआउट राउंड में पहुंचने में सफल रहा है। टीम का सबसे खराब परफॉर्मेंस 2004 में रहा था, जब वह ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था। वहीं स्वीडन की टीम पिछले 3 यूरो कप में ग्रुप स्टेज से ऊपर नहीं जा पाई है। टीम पिछली बार 2004 में नॉकआउट राउंड में पहुंची थी। 2004 में स्वीडिश टीम को नीदरलैंड्स ने पेनाल्टी शूट आउट में बाहर किया था। धन्यवाद। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करेंगे। यूरो कप फुटबॉल समेत तमाम खेल की खबरों के लिए आप खेलढावा.com से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।